सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मुंबई सायन कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर की सड़कों पर हुए खड्डों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने अनोखा मोर्चा निकाला। सड़कों पर हुए खड्डों में बदक को तैराया गया और वृक्षारोपण किया गया। मुंबई कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश यादव, एससी सेल अध्यक्ष कच्चू यादव और नगर सेवक सुफियान वाणु के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीएमसी में मौजूद शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाया जाता है, इसके बावजूद इन सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। बाद में इन गड्ढों को भरने के लिए दिए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी करोड़ों का होता है। मगर से चल के कजू यादव है, हमारे रघुनाथ थवई है, सभी हमारे जो नेता है यहाँ जमा होकर यहाँ निरीक्षण किया है कि जो रोड है प्रतीक्षा नगर के, वो इतना पैसा खर्चा करके भी रोड बराबर बन नहीं जाता है। कमिश्नर ने कहा था कि हम रोड के ऊपर के एक भी फेवर ब्लॉक नहीं रखेंगे, आज भी पूरा प्रतीक्षा नगर में फेवर ब्लॉक है। यहाँ पानी जमा हुआ है, लोगों को चलने का दिक्कत है और गाड़ी जाता है उसमें भी एक्सीडेंट होता है, ये बाइक में स्कूटर में एक्सीडेंट होता है। ऐसी हालत में जल्दी काम करना चाहिए, वो करता नहीं। गए 25 साल से शिवसेना महापालिका में सत्ता पे है, वो इतना अच्छा शहर बना सकती थी। एक अच्छा शहर बनाने का स्मार्ट सिटी का जो योजना केंद्र सरकार ने लाई, उसके तहत भी मुंबई में कुछ काम नहीं हुआ, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन गया। उल्टा मुंबई जो है ये बारिश में इतना मुंबई का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो हम ये निरीक्षण करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि इतना 38 करोड़ रुपए का बजट है, ये काम करते हैं और काम में कुछ दिक्कतें आती है और एक भी रास्ता उसका ठीक नहीं है, तो हम उसका निषेध करते हैं कि ऐसा काम जो महापालिका का चला है, खाली पैसा बटोरने का काम चला है, काम रास्ते पर कोई दिखता नहीं। यहाँ अभी हमारे रघुनाथ थवे ने कहा ये खड्डे में रस्ते है, रस्ते में खड्डे है, बोल नहीं सकते। मुंबई की हालत पूरी खराब है और इसी हालत को लेके यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जगह जगह पे ऐसा आंदोलन शुरू होगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। आज मुंबई कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष श्री एकनाथ गायकवाड़ जी, मुंबई युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, धरना किया। पिछले साल 38 करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका ने प्रतीक्षा नगर के रोड बनाने के लिए खर्च किए हैं। मैं आप मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप अपने कैमरे की आंखों से लोगों को दिखलाएं कि आपको ये रोड देखकर लगता है कि इस पर 38 करोड़ खर्च हुआ है। पिछले 4 महीने पहले इसका काम कंप्लीट हुआ है, वर्क ऑर्डर कंप्लीट हुआ है और 4 महीने पहले आप अपने कैमरे की आंखों से लोगों को दिखलाएं। कल हमारा धरने और मोर्चे का यहाँ पर मैसेज वायरल हुआ कि हम धरना करेंगे युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, तो तुरंत रातों रात यहाँ पर लाके खड़ी डाली गई, खड्डा बुझाने की एक कोशिश की गई, लेकिन वो क्या कोशिश थी वो भी आपके सामने है। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। इसके साथ साथ यहाँ का नगर सेवक जो यहाँ पर 5 स्टमों से जो शिवसेना का नगर सेवक चुनकर आता है उसकी जिम्मेदारी तय होती है, यहाँ के आमदार भाजपा से हैं उनकी जिम्मेदारी तय होती है, यहाँ के खासदार सेना से हैं उनकी जिम्मेदारी तय होती है। ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का टाइम है। आप यकीन करेंगे मुंबई महानगर पालिका 3,500 करोड़ रुपया साल में रोड के लिए खर्च करती है। वो लोग जो 500 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं कि 500 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मैं उनसे पूछता हूँ 500 नई स्मार्ट सिटी बनाना बहुत दूर की बात, जो स्मार्ट सिटी कांग्रेस के दौर में जो बनाकर दी गई थी उसको बचाने के लिए आपने क्या किरदार निभाया, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रतीक्षा नगर सायन कोलीवाड़ा विभाग में गए 25 साल से शिवसेना की सत्ता है, यहाँ पर नगर सेवक आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वैसे की वैसे ही है। हर साल गए साल भी हमने यहाँ पर खड्डे का आंदोलन किया था और इस बार भी खड्डे का आंदोलन करने पड़ रहा है, क्योंकि ये शिवसेना बीजेपी की सरकार यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, इसके वजह से हमको ये खड्डे भरने का आंदोलन लेना पड़ रहा है। ये रास्ते ऐसे बन गए हैं कि यहाँ के प्रतीक्षा नगर के लोगों को आने जाने में इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही है कि कोई यहाँ से सही ढंग से जा नहीं सकता, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका ने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो नगर सेवक है वहाँ पर ध्यान देते नहीं, इसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी को रास्ते पर उतरना पड़ा। प्रतीक्षा नगर से शुरुआत किया है
क्योंकि प्रतीक्षा नगर में अभी 38 करोड़ का बजट पास होकर इन्होंने इस रोड को 4 महीने पहले कंप्लीट किया था और 2-3 दिन बारिश क्या हो गई तो इस रोड की व्यवस्था ऐसी हो गई कि मतलब हमको रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए आज हम लोगों ने एक सिंबॉलिक तरीके से गायकवाड़ साहब के नेतृत्व में हमने जिधर जिधर खड्डे हैं जिसमें पानी भरे हैं वो एक पॉन्ड के रूप में सब जगह आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हमने उसमें बदक छोड़े हैं कि ये सिंबॉलिक तरीके से हम प्रोटेस्ट हमारा रजिस्टर करना चाहते हैं। कहीं वो 50 लाख के खड्डे हैं तो कहीं 1 करोड़ के खड्डे हैं, हमने रेड कार्ड भी लगाया है सब जगह पे। तो 38 क्रोर्स में अगर 10 पॉट होल है तो उसको डिवाइड कर दो 38 क्रोर्स में। तो ऐसे हमने एक सिंबॉलिक तरीके से हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, हमने पौधे लगाए कोई कोई खड्डों में। अभी तो ये लोग जागने चाहिए, 25 साल से यहाँ पे प्रतीक्षा नगर में और 25 साल से मेरे हिसाब से 5 टर्म हो गया है शिवसेना भाजपा का कॉरपोरेशन में सत्ता होते हुए और आज तक बम्बई शहर के अंदर 1200-1300 करोड़ का रोड का मेरे हिसाब से बजट हर साल पास होने के बावजूद कहीं भी खड्डे बुझते हुए दिख नहीं रहे हैं। सालों साल हमको यही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। आज जनता भी त्रस्त है बम्बई की और वो लोग आज रोड पे हमारे साथ उतरे हैं गायकवाड़ साहब के नेतृत्व में। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।